कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11000 रूपए, औषधि दान 11000 रूपए, पिच्छी दान 11000 रूपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21000 रूपए, विशेष सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए, संरक्षक 111000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 211000 रूपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। नंदी सर सुर जाए ले वसुधरव है, हमें सकति सोना ही यहाँ कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। कितनी सुंदर बात कही है। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। पर्वों का राजा कहा जाता है। क्यों पर्वों का राजा कहा जाता है? ये नंदीश्वर अपने आप में है ईश्वर को आनंद से पूजने का स्थान, और जो देवता हमेशा 12 महीने कहना चाहिए 24 घंटे अहिरनिश जो भोगों में आनंद में लीन रहते हैं, वो भी परमानंद को पाने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए अपने स्वर्ग विमानों को छोड़कर नंदीश्वर चले जाते हैं। कैसा है नंदीश्वर? जहाँ 108 फुट की प्रतिमाएं हैं और कितनी सुंदर, एक एक जिनालय में 52 जिनालय हैं और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, और रत्नमयी, स्वर्णमयी और कितने सुंदर मंदिर हैं कि वहाँ का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो वहाँ जा तो नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप के आगे नहीं जा सकता है, मानव 70 पर्वत के आगे नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी आराधना करके अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। और कहते भी हम, यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पित हो, भगवान ये अर्घ हमने अपने हित के लिए किया है, क्योंकि जिन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा भाव आ जाता है कि वास्तव में साक्षात स्वर्ग में मोक्ष में पहुंच गए, और उनको देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही संसार के दुख अपने आप विलीन हो जाते हैं, क्योंकि जब नजरिया बदल जाता है, जब सोचने का ढंग बदल जाता है, तो आदमी को हर चीज सुंदर नजर आने लगती है। और जीवन में इसीलिए कहा है, परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, और पापात्मा से प्रेम करोगे तो पापात्मा बन जाओगे। आज तक आनंद हमने भोगों में माना है, लेकिन योगों में कभी आनंद नहीं माना है। महीपाल नाम का एक विद्याधर राजा पोदनपुर में रहता था, और पोदनपुर में एक बार एक मुनिराज आए और उन्होंने लोक का विवरण बताते हुए नंदीश्वर का विवरण बताया। उसने आहार दिए, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है उसे यदि एक दिन आहार नहीं दे
तो उसे बेचैनी हो जाती है। एक दिन आहार नहीं दे तो उसे मातम जैसा दिन लगता है। लेकिन जब आहार दिया और नंदीश्वर का विवरण सुना, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन सुनते ही कहने लगा कि मैं तो नंदीश्वर जाऊंगा। पत्नी ने समझाया कि मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता है, लेकिन जब भावना हो, तीव्र भावना हो और मन में भावना हो, जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो आदमी को कोई बात समझ में नहीं आती है, और जब परमात्मा से प्रेम की पराकाष्ठा हो तो जिंदगी भी कुछ ना कुछ होती है उसके आगे। जिंदगी में भी कोई रहस्य नहीं रहता है, जिंदगी का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि धर्मात्मा तो कहता है परमात्मा मिले तो मैं मौत को भी स्वीकार करता हूँ। परमात्मा जहां मिले उस रूप में चाहिए, क्योंकि परमात्मा बाहर का नहीं, वो अपना आनंद चाहिए। वो नंदीश्वर यानी ईश्वरों को वंदना करके नंद हो जाए, आनंदमय हो जाए, वो है। और धाम क्या कहा है, वास्तव में वो शिव धाम ही हमारा धाम है, जहां पाकर, जहां जाकर हम वो आनंद पाते हैं जो कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकता है, भोगों में हो ही नहीं सकता है ऐसा आनंद। और कहते हैं अपने विद्याबल से देवता जा रहे थे, देवता बड़े उत्साह से जा रहे थे। आप कहेंगे हमें तो आज दिखते ही नहीं देवता। अरे पंचम काल में नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ तो व्यंतरों का वास है। आज इंसान जानवर से बदतर हो गया, ऐसी दुनिया में देवता आकर भी क्या करेंगे। तो देवता हर्षोल्लास से एक दिन पहले जा रहे थे, सोचिए देवता एक दिन पहले जा रहे थे, कल से पूजन थी, कल से स्थान का पर्व लगने थे, लेकिन आज जा रहे थे। धर्मात्मा व्यक्ति धर्म धार्मिक कार्यों को उत्साह पूर्वक करता है, समय से पहले शुरू कर देता है, और पापी आदमी गलत कामों को समय से पहले शुरू कर देता है। आपने देखा होगा आज का आदमी पिक्चर देखना हो, कहीं मॉल में जाना हो, किसी मैच में जाना हो, तो टिकट भी पहले बुक कराता और समय से पहले वहाँ लाइन में लग जाता है कि समय आए तो कहीं चूक ना जाऊं। लेकिन धर्मात्मा पूजा में, उपासना में, आराधना में, आहार दान में आगे लग जाता है कि कहीं चूक ना जाऊं, क्योंकि कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पर में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। धर्मात्मा सोचता है कि मौत तो सर पर खड़ी है, आज ही कर लो जो अच्छे काम करना है, क्योंकि कहा भी है अच्छे काम को आज कर लेना और बुरे काम को कल पर टाल देना। बुरे काम जितने टाले जाएंगे उतने पाप से बच जाओगे, और भले काम जितने कर लिए जाएंगे अच्छे, आज और अभी कर लो, क्योंकि कल का क्या भरोसा। कल काल कुठार लिए फिरता यमराज की मार, झिली न झिली और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तुअंत समय में हिली न हिली। और ये मानव देह की भली घड़िया, ए मानव देह की भली घड़िया, कौन जाने काल मिली न मिली। वास्तव में वो भूपाल राजा भी जाते हैं, और देवताओं को देखकर उनके अंदर उत्सुकता होती कि मैं भी जाऊं उन जिनेन्द्र प्रतिमाओं के दर्शन करने। ये लोग अहिर्निश आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं भी थोड़ी एक बार तो दर्शन करके आऊं। और पत्नी ने बहुत मना किया कि नहीं जा सकते हैं, मनुष्य लोग सिर्फ यहाँ बैठकर आराधना कर सकते हैं, और नहीं माना और देवताओं के साथ गया, पहुंच गया वहां तक, लेकिन मानसोत्तर पर्वत आगे था, वहां के आगे नहीं जा सकता था, और उसने कोशिश की और आगे जाकर उसका विमान टकरा गया। आप जानते हैं यहाँ के विमान भी, यहाँ के वायुयान भी जब टकरा जाते हैं तो बड़े बड़े आर्मी के अफसरों को भी चकनाचूर कर देते हैं, बड़े बड़े पायलटों को भी भूमि साथ कर देते हैं, क्योंकि विमान, यहाँ के विमान की टक्कर जब इंसान नहीं झेल पाता है, तो मानसोत्तर पर्वत से टकरा रहा था, उसके पार जाने की कोशिश थी, कैसे कुछ हो सकता था, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसकी भावना जैसी थी उसने पा लिया, क्षण मात्र में, अंतर मुहूर्त में देवों में पैदा हो गया, और देवों में उत्पन्न होने के बाद आराधना उपासना में लीन हो गया, अपने आप को, जीवन को धन्य समझने लगा। लेकिन जैसे ही पर्व पूरा हुआ, अचानक विचार आया कि पत्नी जो पूर्वव की उसे बता कर आऊं, और कहते सोमा के सामने आया और कहने लगा मैं नंदीश्वर होकर आया हूँ। पत्नी ने कहा नहीं जा सकते हो,
भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, मनुष्य नहीं जा सकते हैं। आठमो दीप नंदीश्वर अभाश्रम, वहां आप नहीं जा सकते हो। मैं मानती हूँ कि आप भले कोई रूप में हो, और वो कहने लगा मैं होकर आया हूँ, क्योंकि उसका पूर्व रूप था, पति के रूप में था वो, और वैसे ही आराम से सब कुछ विवरण बताने लगा। उसके बाद भी पत्नी ने कहा कुछ भी आपने सुना होगा किसी से, लेकिन आप नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद उसने माला आदि दिखाई, तो पत्नी बोली आप मेरे पति हैं तो नंदीश्वर नहीं जा सकते हैं, और आप नंदीश्वर होकर आए हैं तो और कोई पर्याय होगी, इस पर्याय से नहीं जा सकते हैं आप। और कहते हैं आखिरकार वह मान गया और उसने सत्य घटना बता दी। कहने लगे नंदीश्वर से टकरा कर मेरा विमान चकनाचूर हो गया और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन मेरी भावना तीव्र भावना थी परमात्मा के दर्शन करने की, इसलिए मैंने दर्शन कर लिए हैं। और कहते हैं आगे चलकर उसने दीक्षा ले ली, क्योंकि अभी तो सिर्फ परमात्मा की मूर्तियों के दर्शन करे थे, अभी तो अपनी मूर्त मान के दर्शन करना बाकी थे, अभी तो अपने देव आत्मदेव के दर्शन करना बाकी थे। और उसके लिए उसने दीक्षा ले ली और वहां से आकर देव पर्याय को पूरी करके मनुष्य लोक में आया और हस्तिनापुर के राजा के यहाँ पुत्र हुआ। और आगे चलकर उसने राज्य वैभव से उदास था और कहते हैं दीक्षा लेकर परमात्मा पद को पा गया। और रानी भी बाद में दीक्षा ले लेती है, ये जीवन का सार होना चाहिए, जीवन का यही मुकाम होना चाहिए कि जब तक संसार में रहना पड़े तब तक रोगों की तरह विषय भोगों को सेवन करो। क्योंकि जिस प्रकार से रोगी चाहता है कि जब तक मेरा रोग ठीक नहीं हुआ तब तक मैं इस दवाई को खाऊं, तब तक मैं हॉस्पिटल में रहूं, और जब तक पूर्ण नहीं पढ़ पाया, जब तक डिग्रियां हासिल नहीं हुई तब तक विद्यालय में आऊं, और जब तक दिमाग से परेशान है तब तक वो कोई इलाज लेता है, दवाइयां खाता है, लेकिन जैसे ही उसे रोग मुक्ति होती है वैसे ही अपने घर चला जाता है। और ये हमारा और आपका घर ये नहीं जो ईंट चूने के मकान बना रखे हैं, ये हमारा धन भी नहीं जिसे हमने धन समझ रखा है, कागज के बंडलों को धन समझ रखा है जो बड़ी आकुलता से आते हैं। धन तो वो है जो निराकुलता से आता है, धन तो वो है जो वास्तव में आत्मा से परमात्मा को मिलाता है, क्योंकि वो आपके जीवन को धन्य बनाता है। यहाँ तो हम नोट के बंडल जोड़ते रहते हैं और यहाँ आयु अपना ब्याज लेकर भी समाप्त हो जाती है, आयु तो अपना प्रत्येक क्षण कदम बढ़ा रही है और एक दिन मौत के पास ले जाएगी। यदि हमारा प्रेम सच्चा हो, यदि हमारा प्रेम परमात्मा से हो, तो ये जीवन भी परमात्म दशा के लिए बीज हो सकता है। और कहते हैं उसका प्रेम कैसा था कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज आपने देखा होगा यहाँ लौकिक प्रेम भी जिसको होता है वो भी जान की परवाह नहीं करता है, लेकिन लौकिक प्रेम में तो धोखा मिल सकता है, लौकिक प्रेम में तो आप ठगाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाए तो ठगने की कोई बात नहीं है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है, सम्मेद
शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं एक दिन की आहार व्यवस्था ₹2100 सदस्यता एक सप्ताह तक ₹11,000 औषधि दान ₹11,000 पिच्छी दान ₹11,000 सदस्यता एक वर्ष तक ₹21,000 विशेष सदस्यता ₹31,000 विशिष्ट सदस्यता ₹51,000 अति विशिष्ट सदस्य ₹71,000 संरक्षक ₹111,000 शिरोमणि संरक्षक ₹211,000 दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा श्रीमती पुष्पा देवी रारा श्री विकास रारा जया रारा श्री ऋषभ रारा प्रियांशी रारा मंजूश्री पोना बाजार इम्फाल मणिपुर स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार जंगपुरा दिल्ली श्रीमती सुधा जैन धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी C-130 पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली श्री ओम प्रकाश सरावगी पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी निवासी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल